हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर के। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन किस डेट से हो सकते हैं? आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों के एग्जामिनेशन को टालने की बात किया गया है, उसके लिए कमेटी ने रिपोर्ट ऑलरेडी दे दिया है। तो थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन कब तक कराए जा सकते हैं, उसको लेकर के क्या बातें चल रही हैं, क्या बातें क्लियर किया गया, उसके बारे में हम यही बताने वाले हैं और डेट भी बताने वाले हैं कि क्या डेट होने वाली है। तो प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई है कि परीक्षाएं 13 अगस्त तक हो जानी चाहिए। साथ ही परीक्षा का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। परीक्षा प्रणाली OMR पर आधारित होगी। आप सभी को पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं तो आपको OMR शीट पर फिलअप करना होता है जो करेक्ट आंसर होते हैं। सूत्रों के अनुसार 3 कुलपतियों की कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि सभी परीक्षाओं के परिणाम 31 अगस्त 2021 तक घोषित कर दिया जाए। प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में यह व्यवस्था बनाई गई है कि इसके अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक जो परीक्षा है उसकी आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन भी उसको कराया जा सकता है अगर मौखिक परीक्षा की जरूरत पड़ती है तो। विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पद्धति एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति में छात्रों को प्रोन्नत करने के नियम भी तय कर दिए गए। दोनों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर से पूर्व की कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा कराए प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी कि अंतिम वर्ष से पहले की यानी कि फर्स्ट अगर लास्ट ईयर 3 वर्षों का हो रहा है आपका ग्रेजुएशन तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आपके सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं 6th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर तो लास्ट सेमेस्टर को छोड़ करके आपके दोनों सेमेस्टर्स में आपको पास कर दिया जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। सेमेस्टर प्रणाली में होगी यह व्यवस्था। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसे विद्यालय जहां स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंक के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। इसी तरह यदि तृतीय एवं विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो तृतीय एवं जो अलग सेमेस्टर्स हैं उनके अंकों के आधार पर चतुर्थ जो सेमेस्टर है उसके अंकों का भी निर्धारण किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में होगी यह व्यवस्था कि प्रस्ताव में आया कहा गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुई हैं वहाँ ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी जो आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष के अंकों का परिणाम जो होगा उसको निर्धारित किया जाएगा। और ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी वहाँ प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम एवं अंक निर्धारित होंगे और तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाएंगे। इसी तरह ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के आधार पर तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को भी द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। जब वर्ष 2022 में द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी तो द्वितीय वर्ष के परीक्षाओं के अंकों के आधार पर उनको प्रथम अंक जो प्रथम प्रश्न पत्र है या प्रथम ईयर है उसके अंकों को भी प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से बातें हो रही है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर के। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को 13 अगस्त तक कराने की बातें की जा रही हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।